अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो कैट का फोर्थ क्विज जो है वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और टेक क्विज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है आज आपके सामने ये, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इज नॉट शोन इन द एलिवेशन प्लान, एंड ऑप्शंस हैं फ्रंट, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास होगा जी वो बॉटम। और क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और अगर आपकी कोई भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस या क्विजेस रहते हैं तो वो आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग द स्टेयर्स इन द हाउस प्लान। ऑप्शन हैं ट्रेड, राइजर, विड्थ एंड मटेरियल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा जी मटेरियल, ठीक है। एट द एंड जो है वो रिजल्ट्स भी हम देख लेंगे, और अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो वो आप कमेंट में काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है। थर्ड है, द लेवल एट विच सब स्ट्रक्चर्स एंड्स एंड सब स्ट्रक्चर स्टार्ट इज कॉल्ड सिल लेवल, लेंटल लेवल एंड प्लिंथ लेवल, एंड द लास्ट है नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा जी प्लिंथ लेवल। और फिर बता रही हैं आपको कि क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। फोर्थ है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ अलाइन कमांड, ए डबल ए एल एंड ए एन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी ए एल, ठीक है। सी वाला इसका हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया फोर वाला। और फाइव वाली स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोर शुड हैव एन ओपनिंग टूवर्ड्स आउटसाइड, वॉशरूम डोर, मेन गेट डोर, बेडरूम डोर एंड किचन डोर। तो ये होगा जी हमारे पास वॉशरूम डोर, जो होता है वो बाहर की तरफ खुलेगा। वाले को करते हैं मार्क और नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जी। यूजली वैसे मेन गेट भी बाहर की तरफ अक्सर लोग खुलता है। सिक्स है, व्हाट डज अ 2D हाउस प्लान शो अबाउट अ विंडो, प्लेसमेंट, टाइप, डायरेक्शन एंड एरिया। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा जी प्लेसमेंट, ए वाला। इसको करते हैं मार्क और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है जी है हमारे पास सेवन्थ वाली। ये हो गया जी यहाँ पे प्लेसमेंट, और सेवन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डोर, स्लाइडिंग डोर, स्विंगिंग डोर, गैराज डोर एंड द हैंगिंग डोर। तो इसका जो हमारे पास एक्यूरेट आंसर है वो है जी हैंगिंग डोर है, जो है होता है ना वो डोर की टाइप्स में नहीं आता, बाकी स्लाइडिंग डोर, स्विंगिंग, गैराज डोर ये सारे डोर्स में ही आते हैं, ठीक है। एट्थ वाला है, डैश आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्शंस एंड रेफरेंस लाइंस, एक्स लाइंस, पोली लाइंस, लाइंस एंड SP लाइंस। तो इसका है जी हमारे पास एक्स लाइन जो सी होती हैं वो ज़्यादातर यूजफुल होती हैं कंस्ट्रक्शन क्रिएशन के लिए। तो एक्स लाइन को हम करते हैं मार्क, एंड सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट जो है वो है हमारे पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैलकुलेट द कवर्ड एरिया ऑफ अ हाउस, टोटल एरिया डैश अनकवर्ड एरिया, टोटल एरिया डैश रेयर स्पेस, टोटल एरिया डैश कार पोर्च, एंड लास्ट है टोटल एरिया डैश रूफ एरिया। तो इसका हमारे पास होगा जी टोटल एरिया डैश अनकवर्ड एरिया, ठीक है। ये कैलकुलेट होती है हमारे पास कवर्ड एरिया ऑफ हाउस के अंदर। तो ए वाला होगा हमारा राइट ऑप्शन, और इसको मार्क करके चलते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट की तरफ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी एक्सरसाइजेज और क्विजेज आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं वो आप काइंडली चेक कर सकते हैं, और ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। लास्ट है, अ डैश इज़ एन एक्सटर्नल रेस्ड ओपन एंड फ्लैट एरिया ऑन आर फ्लैट रूफ, टेरेस, बालकनी, ममटी एंड पोटियो, पेटियो, सॉरी पेटियो। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन होगा जी टेरेस, ठीक है। बालकनी, ममटी एंड पेटियो जो है वो नहीं होगा, तो टेरेस इज द राइट ऑप्शन। और इसको क्लोज करके देखते हैं जी अपने मार्क्स, और कौन से स्टेटमेंट हमारी गलत है, और यहाँ पे नेट हमारे पास गायब हो चुका है। और ये है जी आपके सामने क्विज फोर की नाइन्थ, एक पता नहीं कौन सी गलत है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड अल्लाह हाफ़िज़।